अशोक गहलोत के खिलाफ परंपरा भी रही, उनके सहयोगी सचिन पायलट भी रहे और एग्जिट पोल्स के नतीजे भी हैं। ये नतीजे बता रहे हैं कि लोक लुभावन वादों की उनकी झड़ी उनके बहुत काम नहीं आ सकी। राजस्थान के लिए जिन 10 चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल आए, उनमें से 7 में कांग्रेस पीछे और कहीं कहीं काफी पीछे दिख रही है। राजस्थान में जिन 199 सीटों पर वोट पड़े, उनमें से एबीपी न्यूज सी वोटर ने बीजेपी को 94 से 114 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 71 से 91। दैनिक भास्कर बीजेपी को 98 से 105 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 85 से 95 सीटें। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया बीजेपी को 80 से 100 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 86 से 106। इंडिया टीवी सीएनएक्स बीजेपी को 80 से 90 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 94 से 104। उधर जन की बात, बीजेपी को 100 से 122 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 62 से 85 सीटें। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक बीजेपी को 89 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 101 सीटें। रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स बीजेपी को 115 से 130 सीटें दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 65 से 75 सीटें। टाइम्स नाउ ईटीजी बीजेपी को 108 से 128 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 56 से 72 सीटें। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट के मुताबिक बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 90 से 100 सीटें। पी मार्क के मुताबिक बीजेपी को 105 से 125 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 69 से 91। कांग्रेस के लिए उम्मीद और राहत की बात बस इतनी है कि कम से कम 3 एग्जिट पोल उसकी बढ़त दिखा रहे हैं। अगर ये अनुमान सही निकला तो राजस्थान के नतीजे शायद सबसे चौंकाने वाले होंगे। मगर फिलहाल एग्जिट पोल बता रहे हैं कि राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।